हेलो ऑल, आज का डिस्कशन का टॉपिक है अबाउट शैम्पू। तो शैम्पू का फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन एंड ऑल रिलेटेड टू इट। सो फर्स्ट गेट टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो जो शैम्पू वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है जिसको डिराइव किया गया है वर्ड शैम्पू से। शैम्पू इज़ अ हेयर केयर प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शैम्पू एक हेयर केयर प्रोडक्ट है जिसका यूज़ हम हेयर से ऑयल, डर्ट एंड स्किन पार्टिकल्स, डैंड्रफ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और अदर कंटामिनेंट्स को ग्रेजुअली रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम द हेयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द डेफिनेशन। शैम्पू इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन अ सुटेबल फॉर्म, लिक्विड, सॉलिड और पाउडर। तो शैम्पू जो है हमारा एक तरह का प्रिपरेशन है जिसमें सर्फेक्टेंट का यूज़ किया गया है एंड जो अवेलेबल होता है सॉलिड, लिक्विड एंड पाउडर फॉर्म में, विच व्हेन यूज्ड अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन विल रिमूव सरफेस ग्रीस। जिसको हम अगर एक स्पेसिफाइड कंडीशन में यूज़ करते हैं तो वो हमारे हेयर से ग्रीस को, डर्ट को एंड स्किन डेब्रिस को हेयर शेफ्ट से एंड स्केल से बिना किसी इफेक्ट को या एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा यूज़र को और इस तरीके के प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करेगा। तो दिस इज अबाउट द शैम्पू डेफिनेशन। तो नाउ हियर यू कैन सी इन वेरी शॉर्ट फॉर्म कि अगर हम शैम्पू की बात करते हैं, शैम्पू होता क्या है। तो शैम्पू एक तरह का विस्कस लिक्विड है, क्लियर एंड ओपैक होता है, विस्कोसिटी जिसकी 500 टू 1500 सेंटीपॉइज होगी, पीएच इसका 5.5 होता है और जिसमें बेसिकली 20-40% सॉलिड प्रेजेंट होता है। ना हेयर वी कैन सी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शैम्पू। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए किसी एक शैम्पू के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो वन बाय वन देख लेते हैं। इट शुड इफेक्टिवली एंड कम्प्लीटली रिमूव डस्ट और सॉइल। शैम्पू एक ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए जो कम्प्लीटली हमारे हेयर से डस्ट और सॉइल को रिमूव करे, एक्सेस सेबम और अदर फैटी सब्सटेंस को एंड लूज कॉर्नियल सेल्स को हेयर से क्लीन कर दे, क्लियर कर दे। इट शुड प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ फोम। बेसिकली जो शैम्पू होना चाहिए उसकी कंडीशन ऐसी हो कि जब भी हम इसको हेयर पे अप्लाई करें वो फोम प्रोड्यूस करे, जिससे फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है जो किसी भी यूज़र की, कि फोम प्रोड्यूस करेगा तभी हेयर से आपका डर्ट एंड डस्ट एंड अदर ग्रीसी सब्सटेंस रिमूव होंगे। इट शुड बी ईजिली रिमूव और रिंसिंग विद वाटर। जब भी हम शैम्पू को अप्लाई करें उसके बाद जब हम उसको वाटर से रिंस करें, ईजिली रिमूव हो जाए, ऐसा ना हो कि उसी पे वो अडहेयर होके रिमूव ना हो। इट शुड लीव द हेयर नॉन ड्राई, सॉफ्ट, लस्ट्रस विद गुड मैनेजेबिलिटी एंड मिनिमम फ्लाई अवे। शैम्पू को जब हम भी क्लीन कर लें किस अपने हेयर से, तो ऐसा ना हो कि वो आपके हेयर को ड्राई कर दें। बेसिकली वो सॉफ्ट करना चाहिए, लस्ट्रस कंडीशन होनी चाहिए, ईजिली मैनेज हो जाए और मिनिमम फ्लाई अवे की कंडीशन हो जब भी हम हेयर से शैम्पू को रिमूव कर लें। और आफ्टर एप्लीकेशन हमें दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने चाहिए। इट शुड इम्पार्ट अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस टू द हेयर। तो जो भी शैम्पू यू बनाएंगे तो एक तरह का फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं सो दैट हेयर पे एक प्लीजेंट फ्रेग्रेंस इम्पार्ट करेगा आफ्टर कंप्लीट रिंसिंग। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, इरिटेशन टू द स्किन और आई। ऐसा होना चाहिए शैम्पू कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट और इरिटेशन ना कॉज करे हमारे स्किन पे, हमारे आई पे। इट शुड नॉट मेक द हैंड रफ एंड चैप। इसको यूज़ करके हमारे हैंड रफ नहीं होने चाहिए और चैप की कंडीशन अराइज नहीं होनी चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी शैम्पू। सो नाउ देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू।
तो शैम्पू बेसिकली आपके पाउडर शैम्पू होता है, लिक्विड शैम्पू होता है, लोशन शैम्पू, क्रीम शैम्पू, जेली, एरोसॉल और कुछ स्पेशलाइज्ड शैम्पू की कंडीशन होती है जिसमें आपका आता है कंडीशनिंग शैम्पू, एंटी डैमेजर शैम्पू, बेबी शैम्पू एंड टू लेयर शैम्पू। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू विच आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड जिसमें ये सब प्रिपेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन। तो अगर हम शैम्पू के कम्पोजिशन की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे इन्ग्रीडियंट हैं जिनको यूज़ करके हम शैम्पू को प्रिपेयर कर सकते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। शैम्पू आर टिपिकली कम्पोज ऑफ 10-30 इन्ग्रीडियंट्स। शैम्पू में बेसिकली 10-30 इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ होता है। सेवरल टाइप के शैम्पू में सेवरल टाइप के इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया जाता है जिसमें सर्फेक्टेंट का यूज़ करके हम क्लीनिंग एंड लेदरिंग प्रोसेस को प्रोसीड कराते हैं। कंडीशनर एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो हेयर और स्कैल्प को आपका क्लीन करता है और कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है डेट स्टेबलाइज द प्रोडक्ट एंड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ शैम्पू। एडिटिव्स जो होते हैं आपके शैम्पू में स्टेबलाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को एंड क्लिनजिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स जिनका यूज़ करके हम शैम्पू प्रिपेयर करते हैं। तो ये वेरियस टाइप के सर्फेक्टेंट्स का यूज़ होता है जिसमें आपके एनायनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक, कैट आयनिक एंड एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। सो नाउ हेयर वी कैन सी द एनायनिक सर्फेक्टेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनकी क्लास, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्टली है आपका क्लास, सेकेंडरी क्लास एल्कोहल सल्फेट्स में आपका एग्जाम्पल आता है सोडियम सेक लॉरल सल्फेट, जिसमें आपका देख लेते हैं ये क्या एक्शन प्रोवाइड करते हैं। लो कॉस्ट होती है, डिस्पर्सिंग एंड इमल्सिफाइंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिसअपॉइंटिंग एज डिटर्जेंट एंड शैम्पू कॉम्पोनेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लास है एल्किल बेंजीन एंड प्रोपाइलोक्सीथिलीन सल्फोनेट्स, जिसमें एग्जाम्पल है ट्राइटॉन X200 जो हमारे स्किन पे स्टेबल और शैम्पू में स्टेबल इन एसिड एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं, एक्सीलेंट इमल्सिफायर होते हैं, डिटर्जेंट एंड वेटिंग एजेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल एट पीएच ऑफ स्किन। नेक्स्ट है हमारे सल्फेटेड मोनोग्लिसराइड्स जिसमें आपके लॉरिक मोनोग्लिसराइड्स अमोनियम सल्फेट्स आते हैं जो स्टेबल होते हैं हार्ड वाटर में। नेक्स्ट हमारे आते हैं एल्किल ईथर सल्फेट्स जो डेरिवेटिव्स होते हैं लॉरल अल्कोहल के एथर विद पीजी, गुड क्लिंजर्स होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारे आते हैं सार्कोसिन्स जो हमारे लॉरल एंड कोकोइल सार्कोसिन्स होते हैं जो हमारे स्किन पे हमारे हेयर पे एक्सीलेंट फोमिंग एंड कंडीशनिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं हेयर में स्कैल्प में। नेक्स्ट हमारे आते हैं सल्फोसक्सिनेट्स जिसमें आपके और एरोसॉल आते हैं जो लेस इरिटेंट कॉज करते हैं टू द स्किन और आई। बेसिकली बेबी शैम्पू में इनका यूज़ किया जाता है। माइपॉन में आपके आते हैं प्रोटेल्बिनिक एसिड एंड लाइसाल्बिनिक एसिड जिसका यूज़ हाइड्रोसिलसिनेशन प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन्स विद फैटी एसिड क्लोराइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। दीज आर द एनायनिक सर्फेक्टेंट्स जिनका यूज़ करते हैं हम शैम्पू में। सो लेट अस सी अबाउट द नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की क्लास एग्जाम्पल्स एंड इनके कमेंट्स। तो क्लास में देख लेते हैं फैटी एसिड एल्कोलामाइड्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं लॉरल मोनोएथिलामाइड जो इम्प्रूव करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम लॉरल सल्फेट की। इसमें अनदर एग्जाम्पल है स्टियरिक एथेनोलामाइड, ओलेइक एथेनोलामाइड। नेक्स्ट है पॉली एल्कोलेटेड डेरिवेटिव्स जिनके एग्जाम्पल्स हैं इथेक्सुलेटेड फैटी एल्कोहल्स, ब्लॉक पॉलीमर्स, सॉर्बिटॉल एस्टर्स,
तो इनकी बात करते हैं, तो स्टेबल होते हैं वाइड रेंज ऑफ पीएच में, जो ब्लॉक पॉलीमर्स होते हैं गुड रिंसेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, सॉर्बिटॉल एस्टिल स्टेबलाइजर्स एंड गुड इमल्सीफायर होते हैं, जिनका यूज़ हम बेबी शैम्पू में करते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं अमीन ऑक्साइड्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं कोकोनट एंड डॉडीसाइल डाइमेथाइल अमीन ऑक्साइड्स, जो फोम बूस्टर्स होते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स, जिसमें हमारी क्लास है नॉन एन एल्काइल अमीनो एसिड्स, जिसमें बीटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, फोमिंग एजेंट्स होते हैं बेसिकली ये। नेक्स्ट एस्पारजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कंपेटिबल होते हैं विद बोथ एनायनिक और कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स के। नेक्स्ट है बीटेन्स, जिसमें अमीनो बीटेन्स आते हैं, हाई फोमिंग प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट एल्किल डाई इमिडाजोलिन होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं मीरानॉल, जो इनका यूज़ हम बेबी शैम्पू में करते हैं। तो दीज आर अबाउट एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स एंड ऑल द सर्फेक्टेंट्स एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एडिटिव्स। तो फर्स्ट है हमारे कंडीशनिंग एजेंट्स। कंजेस्टिव एजेंट्स में हम एग्जाम्पल्स हैं लेनोलिन, मिनरल ऑयल, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। फोम बिल्डर्स में लॉरॉयल, मोनोएथिलामाइड, सार्कोसिनेट्स। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स में हमारे आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचुरल गम्स, सेलुलोज डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिल विनाइल पॉलीमर्स एंड अदर्स में पीवीपी, फॉस्फेट एस्टर आते हैं। सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स में ईडीटीए आते हैं। ओपेसिफाइंग एजेंट्स हैं हमारे एल्कोलामाइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। क्लैरिफाइंग एजेंट में सोलिबलाइजिंग एल्कोहल, फॉस्फेट्स एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स और सोलिबलाइजर्स आते हैं। तो दीज आर द एडिटिव्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनदर एडिटिव्स, जो है हमारा परफ्यूम, प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटी डिटेरियोरेटिव। परफ्यूम का यूज़ हम बेसिकली एक फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में हम मेथाइल एंड प्रोपिल पैराबेन का यूज़ करते हैं एंड फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। एंटी डैंड्रफ एजेंट्स बेसिकली स्कैल्प से डैंड्रफ को रिमूव करते हैं। एंड ऑयल वाटर एनवायरमेंट और अनदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं और अनदर किसी तरह का ग्रीस से को रिमूव करता है। दीज आर द एंटी डैंड्रफ एजेंट्स, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड, जिंक, पायरीथोन, सैलिसिलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर ऑल द एडिटिव्स विच आर यूज इन द हेयर प्रोडक्ट्स। सो लेट अस हैव अ लुक एट फॉर्मुलेशंस। तो हम सबसे पहले जानेंगे पाउडर शैम्पू के फॉर्मुलेशन में हम हिना पाउडर, सोप पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरेक्स एंड परफ्यूम का यूज़ करते हैं। लोशन शैम्पू में TLS, ग्लिसरीन मोनोस्टेरेट, मैग्नीशियम स्टेरेट, वाटर कलर, परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। लिक्विड शैम्पू में SLS, NaCl, वाटर, परफ्यूम, कलर एंड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द फॉर्मुलेशंस। मस्ट लर्न एटलीस्ट 2 or 3 फॉर्मुलेशंस। क्रीम शैम्पू में SLS, सिटाइल अल्कोहल, वाटर, कलर, परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। एरोसॉल में TLS, कोकोनट डाइमेथिलामाइड। नेक्स्ट वाटर, प्रोपेलेंट एंड कलर, परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। जेली शैम्पू में एल्किल डाइमिथाइल बेंजिलकोनियम क्लोराइड, TLS, कोकोनट डाइएथिलामाइड, HPMC, वाटर, कलर एंड परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ शैम्पू। Now here you can see another example formula, which one is your herbal shampoo, another is your baby shampoo. Learn these formula. Preparation of solid cream and gel shampoo. तो सॉलिड क्रीम या जेल शैम्पू बनाने का एक फार्मूला है जिसको हम देख लेते हैं, जिसमें हमने कोकोनट ऑयल 10 ml, ऑलिव ऑयल 4.5-7 ml, कैस्टर ऑयल 2 ml, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1.5 g। नेक्स्ट है हमारा ग्लिसरॉल 2.25 ml, परफ्यूम CMC एंड द वाटर का यूज़ करके हमने एक जेल शैम्पू बनाया है। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जितने भी सॉलिड बेस हैं उनको एक बीकर में
पोर करके उनको मिक्स कर लिया थॉरली। देन उसके बाद हमने अनदर बीकर में लिक्विड बेस जितने भी हैं उन सबको सेपरेटली वे करके मिक्स कर लिया। देन आफ्टर हमने दोनों ही मिक्सचर को आपस में मिक्स करके ट्राइचुरेट करके एक फाइन शैम्पू प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से हमारा एक जेल शैम्पू प्रिपेयर हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। अब हम देखेंगे अबाउट लिक्विड शैम्पू। तो लिक्विड शैम्पू कैसे प्रिपेयर होता है इसको हम देख लेते हैं, जिसमें हमने ट्राइएथिलामीन और स्टेरिक एसिड को फर्स्टली वे करके एक बीकर में ले लिया। नेक्स्ट हमने अनदर बीकर में वाटर एंड प्रिजर्वेटिव्स ले लिए। ट्राइएथिलामीन और स्टेरिक एसिड वाला जो बीकर है उसको हमने हीट किया है जैकेटेड टैंक में 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। वाटर एंड प्रिजर्वेटिव्स को हमने 65 जैकेटेड टैंक में इसको भी हीट कर लिया। उसके बाद इन दोनों को आपस में मिक्स कर किया और मिक्स करने के बाद हमने इसको मिक्सिंग प्रॉपरली की विद द एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हमने इसको कूल किया, परफ्यूम ऐड किया। इस तरह से हमारा शैम्पू प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको एक सूटेबल कंटेनर में पैक कर दिया और इस तरह से हमारा फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर लेबलिंग प्रिपेयर हो जाएगा। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला और द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द लिक्विड शैम्पू। नाउ हियर यू कैन सी वेरियस टाइप ऑफ शैम्पू विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। एंड नाउ आई एम एंडिंग माई लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू ऑल।